नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तिथि को लेकर बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। इसी में दो न्यूज़पेपर की कटिंग निकल के आती है राजस्थान से, उसको लेके छात्रों के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। मेरे पास दो से तीन लोगों ने व्हाट्सअप में इस स्क्रीनशॉट को शेयर किया, एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पर भेजा, सर इसका मतलब क्या है, क्या रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा अभी और आगे जा सकती है, इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में बताइए। तो मैंने दो तीन जगहों पर पता किया, उसके बाद देखा तो मुझे हाँ लगा ये न्यूज़पेपर जो न्यूज निकल के आई थी ये न्यूज सही थी, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि ऐसी ऐसी दो न्यूजें मुझे देखने को मिली, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको उससे पहले अगर जब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आगे आपको मिलने वाली है। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे PDF होते हैं जिनसे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, उसके लिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, उसमें भी जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें, एक न्यूज़पेपर आती है ये वाली, और इसकी बात करें, ये जब मैं इस वाली कटिंग को खोज रहा था तब मुझे ये वाली कटिंग मिली। तो इस वाले कटिंग की बात करें, अगर जो मैं आपको डेट दिखाना चाहूँ जूम करके, तो आप यहाँ पे डेट दे सकते हैं 6 अप्रैल 2021 का ये कटिंग है, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी के लिए करना होगा और लंबा इंतजार। यानी कि यहाँ पे लिखा एक और चीज़ कि कोरोना ने बिगाड़ा 1,35,000 पद पर परीक्षा का कार्यक्रम। ठीक है, अब इसमें 1,35,000 कौन है, 1,35,000 वो है शायद NTPC जिनका अभी भी एग्जाम रह गया था। फिर भी देखा जाए तो इसमें साफ साफ लिखा है कि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं जो ग्रुप डी वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो परीक्षा का कार्यक्रम, आपको पता है प्रस्तावित कब था, अभी अगर जो आपने स्टार्टिंग वाला नोटिफिकेशन देखा हो तो NTPC ख़त्म आपका उसमें हो रहा था कि मार्च में ख़त्म हो जाएगा, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम ग्रुप डी के स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो क्या अभी भी कहीं संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, तो अप्रैल में वो कहा गया था, तो इस हिसाब से ये न्यूज़पेपर बोल रहा है कि जो परीक्षा का कार्यक्रम परीक्षा ने प्रस्ताव किया था कि अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट हो सकता है ग्रुप डी का, वो अप्रैल में नहीं हो रहा है। लेकिन ये नहीं कहा कि ये परीक्षा टल के आगे जा सकती है। ठीक, अब ज्यादा आगे नहीं जाएगी, अप्रैल में हो सकता नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा ये मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग मिली कि रेलवे ग्रुप डी के रिक्त पदों पर परीक्षा जून में संभव है, यानी कि अप्रैल के बाद मई में अगर जो नहीं होता है तो जून में आपकी एग्जाम 100% होंगे। ठीक, अब देखो सारी चीज़ें जो भी निकल गया नहीं, वो कोरोना ही इसका रीजन है, कोरोना की वजह से ही सरकारें सुस्त हो रही है। देखो कई सर अभी देखा मैंने कि मध्य प्रदेश में एक शहर है वहाँ पे पूरा 3-4 दिन के लिए लॉकडाउन ही कर दिया गया, कई शहरों में आप देख रहे हो नाइट कर्फ्यू लागू की, नाइट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, अभी कई शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा है। कोरोना की जो भयावह स्थिति है उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, देखने वाली बात है। ऑफिशियल कोई नोटिस अभी निकल के नहीं आया है। यहाँ पे लिखा है रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी के पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन जून से शुरू किया जा सकता है, यह परीक्षा लंबी चलेगी। आपको पता भी है लंबी चलेगी, आप सभी को पता है 2019 में 1,03,000 रिक्त पदों के, ये सारी चीज़ें आप तो पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये जो खबर है ये है, और आप लोग इसमें ये सोच के मत चलिए ये परीक्षा लंबी टलेगी, मुझे नहीं लगता ये परीक्षा लंबी टलेगी, जैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मल होती है आपकी परीक्षा स्टार्ट करा दी जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये कोरोना की भयावह स्थिति है तब तक तो ये परीक्षा की न्यूज़ निकल कर नहीं आने वाली। ठीक, तो अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हमारे PDF है जिनको पढ़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। इसी में बात करें, स्टैटिक GK का PDF है, इसके अलावा बात करें गणित जिनका वीक है उनके लिए मैथमेटिक्स के 500 प्रश्नों का गेस पेपर मैंने तैयार किया, इसको ले सकते हैं। इसके अलावा साइंस, आपको पता है 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, और तो साइंस का PDF है, तीनों PDF के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और परीक्षा तिथि को लेकर अगर जो और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैं फिर से बता देता हूँ कि इसके हिसाब से अप्रैल में पहले परीक्षा कार्यक्रम होना था, लेकिन अभी अप्रैल में नहीं शुरू हो रही है, हो सकता है मई या जून में जा सकता है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकल के आता तब तक ये 100% कंफर्म भी नहीं कह सकते कि आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा टल गई है। तो जो न्यूज़पेपर है ये कोरोना की वजह से ये अंदाजा लगा रहा है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ रेलवे ग्रुप डी की पल पल की खबर के लिए, और मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।